हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपडेट्स की वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ कि गेम के अंदर क्या क्या आने वाला है। उससे पहले सस्ता आयरन मैन आने वाला है, ये तो सबको पता है, आधी से ज़्यादा जनता को पता है। उसका गेम प्ले भी आ चुका है, लगभग डार्क राय का भी आ चुका है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप नए हो तो अभी तक वेट किस चीज़ का कर रहे हो भाई? गिव अवे अनाउंसमेंट हो, इससे पहले मैं चाहता हूँ सारे बंदे भाई सब्सक्राइब कर दो। क्या मतलब है कि गिव अवे करो उसके बाद ही करेंगे हम? अब देखो, गेम के अंदर शायद नोटिफिकेशन आ चुका होगा, मैंने गेम नहीं खोली है, लेकिन ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो आप देख सकते हो 5 तारीख को 6 बजे भाई AM या PM ये तो बता देते। लेटेस्ट वर्जन आएगा भाई गेम का, पोकेमॉन यूनाइट का। और जब लेटेस्ट वर्जन आता है तो आपको पता है क्या आता है उसके साथ? बहुत सारी लीक्स। लिटरली बताऊं तो भाई पैच नोट्स आएगा, मतलब बहुत सारे अपडेट्स आएंगे गाइस। अभी मैं छोटे छोटे और अपडेट्स आपको बताता हूँ क्या चांसेस है आने के। सबसे पहले तो बहुत सारे बंदों ने टिफिन बॉक्स देखा होगा और ये आपको थोड़ा फेवरेट सा लगा होगा। मतलब भाई नारंगी सा कुछ अलग सा दिख रहा है, मतलब पहली बार दिख रहा है ना, मेरे को भी पहली बार दिख रहा है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है बेसिकली गाइस। ये इवेंट है एक, जिसे बोला जाएगा ट्रेजर चेस्ट चैलेंज एक्सचेंज। इसके अंदर एक्सचेंज करने को मिलेगा, अब मैं गेस कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉपर गैस है, हो सकता है गाइस ड्रेस मिले। मेरा गैस ड्रेस का है, आप अपना गैस एक बार नीचे ड्रॉप कर दो कि क्या पता हॉलोवेयर्स भी हो सकते हैं, लेकिन भाई मैं ड्रेस ही बोलूँगा। अब देखो, नेक्स्ट पोकेमॉन टू जॉइन द फ्रे भी का भी वो टाइटल आ चुका है, यानी सस्ता आयरन मैन तो कन्फर्म था और पक्का भी हो चुका है भाई, कब का पक्का हो चुका है। साथ ही साथ में यार हेलोवीन थीम भी अपडेट हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2024 गेम के अंदर नहीं भाई PTS के अंदर। और पोकेमॉन हमें पहले से पता है क्या आने वाला है। जी हाँ गाइस, डार्क राय आने वाला है। इस बार का हेलोवीन थीम पोकेमॉन डार्क राय होने वाला है, जो कि ऑलरेडी पैच नोट में आ चुका है, मतलब सॉरी पैच नोट नहीं, पब्लिक टेस्ट वर्जन में आ चुका है, प्लेएबल है, आप जाके खेल सकते हो। जितना ज़्यादा खेलना चाहो उतना ज़्यादा खेलो। 2 दिन से क्रिस हैरियोस भी खेल रहा है, तो आप भी खेल सकते हो भाई, क्रिस हीरोज नहीं, क्रिस हैरियोस। अब देखो, ये पर्पल सा स्टिकर आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे बंदों ने शेयर किया होगा, आपको लगा होगा भाई अब तक वीडियो नहीं आई यार इस चीज़ की, तो मैं बता दूं गाइस ये फेक है। जी हाँ गाइस, एलचिको ईव ने बोल चुका है कि गाइस थोड़ी देर तोत लाने के बाद याद आ गया, पर्पल स्टिकर ये भाई जो बैज बोलते हैं पर्पल बैज, तो भाई ये फेक है, एलचिको ईव कन्फर्म कर चुका है। किसी ने बंदे ने लिखा हुआ था कि पर्पल स्टिकर है और 1 मिलियन पॉइंट्स। भाई मजाक कर रहे हो क्या? 1 मिलियन पॉइंट्स भाई बहुत ज़्यादा होते हैं यार इकट्ठे के, 10 लाख के आसपास कौन इतना घिसेगा भाई? नहीं, घिसने वाले बंदे हैं, स्टैंडर्ड में घिस देंगे और रैंक में तो बस की नहीं है मेरे ख्याल से। तो बस गाइस, ये वाली वीडियो इतनी ही है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। और शायद रात को स्ट्रीम होगी तो आ जाना, शायद मैं 100% कन्फर्म अभी नहीं बोल सकता हूँ गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओ भाई सब्सक्राइब कर दो, हाँ देख रहा हूँ तुम बिना सब्सक्राइब करे निकल रहे हो चुपचाप कोने से, और लाइक तो बिल्कुल करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।